Hello students, in previous class we had discussed the reactions of alkyl halides with many active metals like sodium, magnesium, zinc, lithium, etc. Today we are going to deal with the reactions of aryl halides with active metals like sodium. देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से तैयार करेंगे. अब मान के चलते हैं aryl halide का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से रहेगा. Arx ये क्या है बेटा, aryl halide, प्लस हम ट्रीट करेंगे Rx, दूसरा रिएजेंट हमने लिया, इसको पढ़ते हैं alkyl halide. ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ. सॉल्वेंट रहेगा ड्राई इथर. ड्राई इथर क्यों यूज करना, आपको बताई है सोडियम हाईली एक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर स्पॉन्टेनियसली वायलेंटली. तो इस सोडियम को पानी और हवा से बचाने के लिए हम यूज करते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट ड्राई इथर. मैकेनिज्म क्या कहता है, लॉजिकली हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे रिएक्शन का. अगर आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो यहां प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत नहीं आएगी. सिंपली आपको हाइड्रोकार्बन पार्ट को जोड़ना है. यहां हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा रहेगा, ए आर, और यहां हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा रहेगा, आर. ए आर और आर को जोड़ देना, बाई प्रोडक्ट रहेगा एन ए एक्स, राइट. अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां दो हैलोजन दिख रहे इसलिए यहां दो लिखेंगे, यहां दो सोडियम आ गए यहां दो लिखना पड़ेगा. अब जो प्रोडक्ट बना वो हाइड्रोकार्बन ही रहेगा. तो इस रिएक्शन में कौन किसके साथ रिएक्ट हुआ, aryl halide एंड alkyl halide, इन दोनों का मिक्सचर हमने क्रिएट किया सोडियम मेटल के साथ. किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. प्रोडक्ट कैसे बना, हाइड्रोकार्बन पार्ट्स को जोड़ दिया, corresponding hydrocarbon is obtained here. Such a reaction is called Wolff-Wittig reaction. Therefore, remember well, in Wolff-Wittig reaction, mixture of alkyl halide and aryl halide is treated with sodium. अब एक तो example हम देख लेते हैं. यहाँ पहला example लेंगे बेटा bromobenzene. Br benzene को जोड़ देना, हमें मिलेगा bromobenzene. इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, तो यहां एक और अल्काइल हैलाइड लेंगे जिसको हम पढ़ते हैं ब्रोमोमीथेन. आईयूपीएसी नेम ही हम यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज इवन कॉमन नेम. सोडियम मेटल यहां एक्टिव मेटल हम यूज करेंगे, रिएजेंट सॉल्वेंट वही रहेगा ड्राई ईथर. अब प्रोडक्ट कैसे बनाना, आसानी से बना सकते हो अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आया तो. यहां हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा रहेगा, बेंजीन रिंग. यहां हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा रहेगा, CH3. इन दोनों को जोड़ देना, प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा NaBr. दो Br है यहां, दो लिखना पड़ेगा, दो Na यहां, दो लिखो, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया. देयरफॉर अब इसका नाम, यस इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, इसको पढ़ते हैं टोलुइन. देयरफॉर व्हेन ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोमीथेन आर हीटेड विद सोडियम मेटल इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर, टोलुइन इज ऑब्टेन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ Wolff-Wittig रिएक्शन. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल हियर. वंस अगेन ब्रोमोबेंजीन हम लेंगे, इसे ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. नाउ ओनली aryl halide इज टेकन हियर, मिक्सचर हमने नहीं लिया. फिर यहां प्रोडक्ट कैसे बनाना, कुछ नहीं, यहां पे भी सेम लॉजिक यूज करना, दो हाइड्रोकार्बन पार्ट को जोड़ देना. दो हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन से रहेंगे, तो ये पहला हाइड्रोकार्बन पार्ट रहेगा और ये दूसरा हाइड्रोकार्बन पार्ट रहेगा. दो बार लिखना, यहां जोड़ देना, प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा NaBr. अब प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा बताइए तो जरा. तो यहां दो बार है इसलिए हम इसको डाई पढ़ेंगे, और फिनाइल रिंग है इसलिए डायफिनाइल कहना. और ये क्या रहेगा, ब्रोमोबेंजीन.
So when bromobenzene is treated with sodium metal in place of diether diphenyl is obtained here, reaction को balance करना जरूरी है. यहाँ दो vinyl ring दिख रहे, मतलब यहाँ दो लिखना पड़ेगा. यहाँ दो लिखा तो यहाँ दो Br रहेगा, यहाँ दो N आ गए, यहाँ दो लिखो, reaction balanced हो गया. अब इस reaction में सिर्फ aryl halide ही हमने use किया, तो क्या हम इसे भी Wolff-Fitting reaction पाएंगे? क्या? नहीं. This is only, this is known as fitting reaction. तो देखो जरा, आपको तीन प्रकार की reactions अच्छे से याद रखना है. पहला है Wolff reaction, जिसमें सिर्फ alkyl halide ही sodium के साथ react होते हैं. दूसरा है फटीग रिएक्शन, जिसमें सिर्फ aryl halide ही सोडियम के साथ रिएक्ट होते हैं. और तीसरा है वॉल्स फटीग रिएक्शन, जिसमें मिक्सचर ऑफ अल्काइल एंड aryl halide रिएक्ट विद सोडियम मेटल. कंप्लीट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखोगे. With the